subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the notifications. Assalamu alaikum dear students, kaise aap sab log, umeed hai sab khairiyat se honge. Students, last time humne question number 3 kiya tha discuss aur aaj is video ke andar hum question number 4 ko discuss karenge aur exercise 7.1 जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 4. तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं. चेक वेदर 5, -2, -6, 4 and 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है क्या ये वर्टिसेस है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के. तो पहले आपको समझना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है. आइसोसेलेस ट्रायंगल किस ट्रायंगल को हम कहते हैं. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसके दो इक्वल साइड्स होते हैं. यानी कोई भी ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं उनको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. वो ट्रायंगल जो है उनको आइसोसेलेस कहते हैं जिनके दो इक्वल साइड्स होते हैं. तो हमें यही चेक करना है कि क्या ये वर्टिसेस है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के. यानी हमें देखना है कि ये जो ट्रायंगल दी हुई है क्या इसके दो साइड्स बराबर आते हैं. अगर दो साइड्स इसके बराबर आ गए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अगर दो साइड्स इसके बराबर नहीं आए, तीनों डिफरेंट साइड्स निकले, तो ये फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है. जैसा कि हम एक ट्रायंगल यहां पर बना रहे हैं, ये हमने ट्रायंगल एक बना ली है यहां पर. तो इसके यहां पर आप देखो, ये जो है ये मैंने ए रखा और ये वर्टेक्स मैंने डी रखा और ये वर्टेक्स मैंने सी रखा. तो ए बी और सी, और ए के कोऑर्डिनेट्स यहां दिए हुए हैं 5, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं 6, 4. सी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं 7, -2. तो ये ट्राइंगल है, ये इसके तीन पॉइंट्स है, तीन वर्टिसीज है और ये इनके कोऑर्डिनेट्स है. तो वर्टेक्स हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर दो लाइन आपस पर मीट करते हैं और इसी का प्लूरल होता है वर्टिसीज. अब मुझे बताना है कि ये जो ये ट्राइंगल है जिसके ये वर्टिसीज है, ये क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है कि नहीं. यानी मुझे बताना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है कि नहीं. तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहां करते हैं, चेक करते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं. तो लेट, यहां मैंने एक वर्टिसेस ए के बराबर रखा, दूसरा बी और तीसरा सी. लेट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -2, बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6, 4 एंड सी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 7, -2. बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी. तो फिलहाल हमने मान लिया, लेट कर लिया कि ए बी और सी जो है ये वर्टिसेस है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के. तो अब हम चेक करते हैं कि ये वाकई आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ए और बी लेंगे. फॉर ए बी, पहले ए और बी लेंगे और यहां पर ए बी के, ये ए बी से हमें काम है, इस ए और बी से काम है. तो ये एक्स वन बनेगा, ये y1 बनेगा और ये x2 बनेगा, ये y2 बनेगा. तो फॉर ए बी, फॉर ए बी x1 वो 5 है, y1 -2, x2 ये x2 6, y2 4. तो इन दोनों के दरमियान हमें डिस्टेंस निकालनी है और डिस्टेंस हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. तो हम इस्तेमाल यहां करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आपको याद हो चुकी है. अब ए बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2, यहां पर x2 6 है, माइनस x1 वो 5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 -2
का होल स्क्वायर. तो x2 6 था माइनस x1 5 था का होल स्क्वायर प्लस y2 4 था माइनस y1 माइनस 2. तो यहां पर अपना माइनस इसको है तो वो माइनस भी लाना है और दो माइनस है तो बीच में हमने ब्रैकेट लाया है माइनस 2. तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस होता है 2 का होल स्क्वायर. तो 6 माइनस 5 वहां पर एक बचा शेन चटो 5 आज बच आख होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस को प्लस 2 का होल स्क्वायर. अब ए बी इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर. तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 6 इंटू 6 6 को मल्टीप्लाई करना है दो बार 6 का स्क्वायर वो 36 होता है. तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 1 37 और 37 जो है 37 प्राइम नंबर है. इसके फैक्टर्स खाली दो होते हैं 1 और खुद नंबर तो इसका एग्जैक्ट रूट नहीं आएगा. तो ए बी जो है ए बी के दरमियान डिस्टेंस जो निकली वो निकली अंडर रूट 37 यानी ए बी जो है वो रूट 37 होगा. तो अब क्योंकि ए बी की डिस्टेंस निकली अब हम बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे कि बी सी कितना है. तो यहां तक आप पहले नोट कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट यहां तक पहले कीजिए आप. तो ए बी जो है ए बी की डिस्टेंस अंडर रूट 37 निकली. अब हमें डिस्टेंस निकालनी है बी और सी के दरमियान यानी बी सी कितना है. तो उसके लिए लेंगे फॉर बी सी. तो बी सी लेते हैं अब क्योंकि काम बी और सी के दरमियान है तो बी और सी बी स्टार्टिंग पॉइंट है सी जो है वो इसमें वो लास्ट का पॉइंट है. तो यहां पर ये x1 बनेगा और ये y1 बनेगा ये x2 और ये y2. तो फॉर बी सी x1 जो है x1 6 है y1 4 है x2 जो है वो 7 है y2 माइनस 2 है. तो इन दोनों के दरमियान हम डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगी b और c के दरमियान. तो bc इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो bc इक्वल टू अंडर रूट x2. अब x2 यहां से आप देखिए 7x2 है 7 माइनस x1 6 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 है माइनस y1 4 का होल स्क्वायर. अब अंडर रूट 7 माइनस 6 तो 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस गो प्लस माइनस माइनस गो प्लस करुण जीवन प्लस मगर निशानी सरोज माइनस क्या दोनवे माइनस मगर करुण प्लस चोर तो गई शे गो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस करना प्लस है लेकिन निशानी माइनस की रहेगी 2 प्लस 4 6 अंडर रूट 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर 1 जो दिन दोनों 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 6 36. तो अंडर रूट 36 प्लस 1 37 और 37 का भी एग्जैक्ट रूट नहीं है. तो BC जो है BC की डिस्टेंस निकली अंडर रूट 37. तो AB भी अंडर रूट 37 निकला BC भी अंडर रूट 37 निकला. अब हम CA को चेक करते हैं या AC को चेक करते हैं कि AC कितना है. तो उसके लिए हम A और C लेंगे फॉर AC. अब यहां पर AC लिया हमने तो AC A और C से अब काम है. A स्टार्टिंग पॉइंट है और C जो है वो लास्ट में आता है. तो AC ये X1 बनेगा ये Y1 बनेगा और ये X2 और ये Y2. तो फॉर AC X1 इक्वल टू 5 है और Y1 इक्वल टू माइनस 2 है. एक्स टू
वो है 7 और y2 वो है -2। अब डिस्टेंस निकालनी है a और c के दरमियान, तो वो निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो है ए सी को निकालनी है, ए सी जो है ये निकालना है, तो इस पे अप्लाई होगी ए सी इक्वल टू अंडर रूट। हाँ, इसके बाद बताइए, शाबाश, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो ए सी अंडर रूट एक्स टू। अब यहां पर एक्स टू सेवन है माइनस एक्स वन फाइव का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस टू है, माइनस टू माइनस y1 वो भी माइनस टू है का होल स्क्वायर। अब 7 माइनस फाइव तो वहां 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू, माइनस इंटू माइनस वो प्लस हुआ, प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर यहां पर आएगा, तो अंडर रूट 2 2 आर 4 प्लस ये माइनस टू है ये प्लस टू है, माइनस प्लस माइनस कारण जो माइनस दोनों वालों से एड बाय जीरो, यानी माइनस टू प्लस टू यहां पर जीरो आएगा, माइनस टू प्लस टू जीरो का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट फोर प्लस जीरो इंटू जीरो तो जीरो ही होता है, तो अंडर रूट फोर प्लस जीरो फोर, और फोर का जो रूट है वो टू होता है, तो ए सी जो है वो टू निकला। तो यहां से आप देखो, यहां से क्या पता चला आपको, अब ए बी अंडर रूट 37 निकला, बी सी अंडर रूट 37 निकला और ए सी 2 निकला, यानी इस ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर है, दो साइड्स बराबर है। तो हम कह सकते हैं अब ये जो ये ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सो द गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एज ए बी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ए बी और BC आपस में बराबर है लेकिन AC इनके बराबर नहीं है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यही क्वेश्चन 4 कह रहा था कि आप चेक करके दो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमने चेक करके दिया हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसको आप अच्छे से एक बार फिर से देख लेना और उसके बाद नोट कर लेना कॉपी पे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, अगर पसंद नहीं आया तब भी लाइक करना। और आई होप, मैं मजाक कर रहा था कि आपको ये जो है ये पसंद आया होगा, इसीलिए ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारा आप कॉपी पे उतारोगे, फिर कॉपी इसकी बनाओगे आप, फिर बनाना जरूरी है। और आप अगर खाली वीडियो देखोगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, वीडियो देखने के साथ साथ कॉपी पेन आगे रखो और फेयर बनाओ। और अब क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं, टिल देन गुड बाय।